अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज हम फिर व्लॉग बना रहे हैं और अपने टोटल बर्ड्स आपको दिखाने वाले हैं। कॉकटेल बर्ड्स, बजरी बर्ड्स, कबूतर और डक का पेयर, तो आज हम आपको दिखाएंगे। चलिए आइए, चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। एक कॉकटेल हमारा ये है गाइस, एक कॉकटेल हमारा ये है जिसको हमने गंदम खिलाने के लिए, हैंड टेम करने के लिए यहाँ पे रखा है। इसको हम हैंड टेम करेंगे और जेद तो इसके पीछे रहता रहो बस। पहली बार हमने क्या डाली है, ये चटनिया बनाया। देखो ये है बाजरा, गरम मजा है, पर इतने की जब डाल दिया आप लोग भी लाइए। और गंदा और ब्लैक ब्लैक हो पानी फोरन चेंज करें, क्योंकि ये गाइस से जाना मर जाते हैं। और हर हर अब गेंद को दबाई करो। ये रहे हमारे बजरी, ये फाइट फाइट दो वालों को तो पता था भाई, इन्होंने अंडे निकाल कर बाहर फेंक दिए हैं। ये मेरी अभी नज़र पड़ी है, वो भी जेद ने बताया है। चलो देखते हैं ये मेरी है। ये देख सकते हैं अंडे निकालो, अंडे मेरे निकालो। तो और ये तीसरा, अब मेरे अंडे निकालने वाली वीडियो ये लो। एक मैं यहाँ रख रहा हूँ। टूटा होगा फेंक दे। दो और बाकी अंदर में हाथ नहीं डालता था, मिट्टी पे था आफ्टर। वो नीचे रहने दो, चलो उसको रहने दो, उसको बाद में निकालेंगे। अभी चलते हैं कबूतर खोलते हैं अपने। चलो आओ जल्दी दे, एक कबूतर बोल दे जा रहा हूं मैं। एक कबूतर खोल, आए तो खोल दो। हां पर क्या है, जे डरता है कबूतरों से। और ये सारे कबूतर हमारे अब खुलेंगे एक एक करके, और ये अब जाएंगे बाहर खुद ब खुद उड़ते हुए। और जैद इनसे डरेगा। चले अगर आज मैं पीले खोल के फारिग हो गया तो अब ये आएंगे उड़ते हुए। ये बाहर आना शुरू हो चुके हैं हमारे कबूतर। एक पेयर अभी नहीं आया है, देखते हैं वो आ रही है। वो ये भी आ गया और ये भी आ गया, सारे कबूतर आ चुके हैं। और अभी हम इनको डालेंगे पहले रोटी, फिर डालेंगे हम गंदम। ये हमने इनको डालनी है पहले रोटी, ये हमने इनको रोटी के दाने डाल दिए। जैद हटो, इनको खाने दो, रोटी खाने दो ताकि। हमारा एक कबूतर अभी भी अंदर रह गया है, लाल वाला, उसको भी हम लेकर आते हैं। वो आ गया, लो भाई नाम लिया और आ गए वो। जब कोई बाहर खोल ही देते हैं लेकर आते हैं और उसे बाहर खोलते हैं। चलो अब डब को लेकर आता हूँ मैं इसको। तो दोस्तों ये रही हमारी डब, अब हम इसको बाहर निकालते हैं। इसके पर हैं लेकिन ये बहुत प्यारी लगती है, क्यूट सी है। इसको पकड़ पकड़ के इसे बाहर निकालते हैं। ये हम इसको पकड़ पकड़ के, ये हमने खोल दिया अपनी डब। देखो ये डंडा, इससे हम लोग बिल्ली को भगाते हैं, है ना। ये हो गए हमारे टोटल बर्ड्स और अब हमारे कबूतर दाना वगैरह खाएंगे। दे दिन को गंदम डालो, ये गंदम। यार बजरी ने तीन अंडे ज़ाया कर दिए हैं। बजरी ऐसे ही होते हैं, बजरी तोते बहुत मुश्किल से बच्चे निकालते हैं और अंडे ऐसे फेंक देते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे कबूतर दाना खा रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत भूखे थे यार, टाइम भी ज़्यादा हो गया आज। मगरिब होने का आ गई है, जल्दी जल्दी बंद करो भाई। बस ये दाना खा ले, इनको दाना डालो और जल्दी जल्दी
ताकि जल्दी जल्दी दाना खाएँ। और हमारी डव को बाजरा डालना नहीं, वो तो अभी पौधों खा पौधों में पता नहीं क्या खाते हैं वो, देखें पता नहीं ये भी पौधों में खाते हैं ना। हमारे अभी तक दाना खा रहे हैं और अब हम आपको दिखाते हैं डव, और डव क्या खा रही हैं वो भी देखते हैं। चल कर ये भागेंगे, ये खा नहीं गई भाई, नहीं गई, खड़ी हुई है ये, मैं तो सोच रहा हूँ डर के भागेंगे। ये है हमारी डव, ये तो पूरे घर में घूम देंगे, इनका दाना वगैरह तो पानी वगैरह तो हर वक्त रहता है इनके पास। जब इनको हम खोलते हैं ना तो दोस्तों एक बात बताना मैं आपको भूल गया, डव भी बिल्कुल कबूतर की तरह बोलती हैं, यानी कि इनकी आवाज़ आवाज़ में फ़र्क है लेकिन बिल्कुल उसी स्टाइल से डव भी जो है ना बोलती हैं। अगर ये बोलेंगी ना तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा हमारा, आज आपने हमारे बर्थडे के कॉकटेल भी देखे। और आप लोग बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम और बर्ड्स लेकर आएंगे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग बताना आएगा, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, 1 मिलियन करवाते ना इस चैनल पर जरूर।